मैं बहुत घबराई हुई हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अभिमन्यु से मिले बिना ही मेरी सांसें थम जाएंगी। पलक वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करते जा रही थी और पहाड़ चढ़ते जा रही थी। प्रशांत भी पलक का पीछा करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर नीचे वहीं पर पड़ी एक लोहे की सरिये पर पड़ जाती है और वो तुरंत उसे उठा लेता है। पलक फिर वॉइस रिकॉर्डर में अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हुए बोल पड़ती है, मैंने उस काले साई को अपनी आंखों से देखा है, वो और शक्तिशाली हो गया है। वो हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात अपने दो साथियों को ग्रेवयार्ड कोठी भेजता है बोतलें लाने के लिए। पता नहीं वो इन बोतलों का करता क्या है, मुझे तो लगता है कि पलक इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसे किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पहाड़ के ठीक नीचे प्रशांत खड़ा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी पलक का पीछा करने के लिए पहाड़ की चढ़ाई शुरू करने वाला हो। पलक की नजर प्रशांत ने अपने हाथ में जो लोहे का नुकीला सरिया पकड़ा हुआ था उस पर चली गई थी। पलक बिना देरी करे हड़बड़ाहट के साथ फिर अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो समझ गई थी कि वॉइस रिकॉर्डर में सारी बातें रिकॉर्ड करना उतना जरूरी नहीं था जितना वहां से बचकर निकलना। प्रशांत गुस्से के साथ पलक को पहाड़ चढ़ते हुए देख रहा था। प्रशांत पलक को देखते हुए कहता है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब यही नीचे आएगी। उसी वक्त प्रशांत लोहे के सरिये को ऊपर हवा में उठाता है और पलक की तरफ फेंक देता है। वो सरिया तेजी के साथ हवा में उड़ते हुए आगे जाता है और सीधे जाकर पलक के सीने के एकदम बीचों बीच घुस कर उसके सीने के आर पार हो जाता है। पलक को मौका ही नहीं मिलता वहां से हटने का। पलक दर्द से तड़पते हुए कस कर चीखती है, लोहे का सरिया पलक के खून से सन जाता है। पलक पीछे की तरफ धड़ाम से पहाड़ पर गिरती है और लुढ़कते हुए ही पहाड़ के नीचे आने लग जाती है। उसी वक्त उसके हाथ से वो बोतल भी छूट जाती है जिसके अंदर कामेश्वरी यक्षिणी कैद थी। वो बोतल पलक की पकड़ से दूर चले जाती है और उसके नीचे जमीन पर गिरने के साथ ही वो बोतल भी धड़ाम से जमीन पर टूट जाती है और उस बोतल के टूटते ही उसके अंदर से ढेर सारा धुआं निकलने लग जाता है। पलक को और प्रशांत को उस बोतल पर ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वो बोतल उन दोनों से दूर गिरी थी। पलक सीधे प्रशांत के पैरों के पास आकर गिरी थी। उसके सीने के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था जो अब पूरी तरह खून से सन चुका था, पर पलक अभी भी जिंदा थी और दर्द से कराहे जा रही थी। प्रशांत अपने आसपास देखते हुए उस बोतल को ढूंढने लग जाता है, पर जब वो उसे कहीं पर नहीं मिलती तो वो गुस्से के साथ पलक से पूछता है, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो? प्रशांत को इतना परेशान देखकर पलक दर्द में भी मुस्कुराने लग जाती है। उसे देखकर हंसने लग जाती है पर उससे कहती कुछ नहीं है। पलक को खुशी थी इस बात की कि वो बोतल प्रशांत के हाथ नहीं लगी थी। पलक समझ गई थी कि उसका अंतिम वक्त आ गया था और वो अपने अंतिम वक्त में अभिमन्यु को याद करने लग जाती है। अभिमन्यु को याद करते ही उसके चेहरे पर और ज्यादा मुस्कान आ जाती है। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जो उसने अभिमन्यु के साथ बिताए थे, वो पल जिसमें अभिमन्यु उसकी केयर करते रहता था। पलक को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर प्रशांत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से के साथ ही फिर पलक से बोल पड़ता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। प्रशांत के पास एक छोटा सा नुकीला चाकू भी था। वो उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ता है और पूरी जान के साथ पलक की आंख की पुतली के अंदर घुसेर देता है। पलक फिर एक बार दर्द से कराह उठती है। प्रशांत फिर पलक से गुस्से के साथ पूछता है, अब बता कहां पर है वो? पलक कुछ जवाब नहीं देती है। वो तो अब जरा सा भी हिल तक नहीं रही थी, ना ही दर्द से कराह रही थी। ये देखकर प्रशांत कुछ घबरा जाता है। प्रशांत अपने दोनों हाथों से पलक को पकड़कर हिलाते हुए कहता है, उठ, मर गई क्या? उठती क्यों नहीं? बताओ कहां पर है, तूने क्या किया उसके साथ? आंख के अंदर चाकू घुसेड़ते ही पलक ने अपना दम तोड़ दिया था और वो मर चुकी थी। प्रशांत कुछ घबराते हुए खुद से कहता है, अब मैं काल स्वामी को क्या जवाब दूंगा? जब वो मुझसे उसके बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? प्रशांत की घबराहट बढ़ने लग जाती है और घबराते हुए ही उसकी नजर जब उस लड़की के शव पर जाती है तो उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। प्रशांत पलक का चेहरा देखते हुए कहता है, ये सब इसके कारण हुआ है, इसने सब बिगाड़ दिया। पता नहीं इसने वो बोतल कहां पर छुपाई, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गुस्से की आग में ही प्रशांत चाकू को पलक की आंख के अंदर से वापस से बाहर निकालता है और बार बार उसके चेहरे के अंदर घोंपने लग जाता है, जैसे वो अपना सारा गुस्सा पलक के चेहरे पर उतारना चाहता हो। पलक के खून के छींटे प्रशांत के चेहरे पर पड़ने लग जाते हैं, पर फिर भी वो चाकू पलक के चेहरे के अंदर बार बार घोंपते रहता है। प्रशांत पलक के चेहरे पर बार बार चाकू घोंप ही रहा था कि तभी उसे एक महक आने लग जाती है, एक ऐसी महक जिसे सूंघकर उसके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। वो चाकू को उस लड़की के अंदर घोंपना बंद कर देता है। प्रशांत उस महक को सूंघते हुए खुद से कहता है, ये महक
ये तो वही है जो मुझे तब आया करती थी जब मैं लेखक बाबू से मिलने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी जाया करता था। और उस वक्त तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर, इतना कहकर प्रशांत खुद चुप हो जाता है। वो एकदम गहरे सदमे में चले गया था। प्रशांत उस महक को लेकर परेशान ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज किसी और चीज की नहीं बल्कि पायल की छनछन की थी। पायल की छनछन के साथ ही वॉइस रिकॉर्डर के अंदर से आवाज आनी बंद हो जाती है। वॉइस रिकॉर्डर के बटन दबने की आवाज सुनाई देती है, और वो बटन किसी और ने नहीं अभिमन्यु ने दबाया था। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से अभिमन्यु ने सबको पलक की दास्तां सुना दी थी, और पलक की दास्तां सुनकर कुटिया के अंदर मौजूद सभी लोग शांत पड़ गए थे। सबकी आंखों में आंसू नजर आने लग गए थे। उनकी आंखों में आंसू आते भी कैसे नहीं, वो पलक जिसका इन सबसे कुछ लेना देना ही नहीं था, उसने बाकी सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। खुशी खुशी प्रशांत के हाथों मर गई थी। पलक की दास्तां सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी को कुछ याद आने लग जाता है। उसे याद आता है प्रशांत को उसने ही मुक्ति दिलाई थी, और उस वक्त वहां पर एक लड़की की लाश भी पड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी एक सेकंड से भी कम समय में समझ जाती है और हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, इसका मतलब जिस लड़की ने मुझे आजाद किया वो कोई और नहीं बल्कि पलक थी। अभिमन्यु नम लहजे के साथ हामी भरते हुए कहता है, हाँ कामेश्वरी जी, वो पलक ही थी। पलक ही आपकी बॉटल लेकर भागी थी। बस उस बेचारी को ये नहीं पता था कि आपकी बॉटल को बस तोड़ना था। बॉटल टूटते ही आप आजाद हो जाती। अगर पलक को ये बात पता होती तो शायद वो आज जिंदा होती। अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, सारी गलती मेरी ही है। मुझे इस तरह ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर नहीं जाता तो पलक कभी मुझे ढूंढने के लिए अकेले निकलती ही नहीं, ना ही उसके साथ ये सब होता। युग अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है अभिमन्यु। जो होना लिखा रहता है उसे कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है पलक की किस्मत में यही लिखा हो। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही यामिनी बोल पड़ती है, मैं पलक को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसी की वजह से मैं अपनी माँ से मिल पाई हूँ। उसी ने मेरी माँ को आजाद कराया है। कामेश्वरी यक्षिणी बोल पड़ती है, भूल तो मैं भी नहीं पाऊंगी पलक को, ना ही उसका ये एहसान कभी चुका पाऊंगी। कार्तिक पुजारी कहते हैं, भविष्य में जब जब कामेश्वरी यक्षिणी की कहानी का जिक्र किया जाएगा उसमें पलक को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि वही थी जिसकी वजह से कामेश्वरी आजाद हो पाई है। डायना कहती है, मैं भी पलक को कभी नहीं भुला पाऊंगी। अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद गुफा से अपनी जान बचाकर भाग जाती, पर वो तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर थी। उसने कामेश्वरी यक्षिणी को आजाद करना अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी समझा। सभी के दिल में पलक के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी, एक ऐसी जगह जो अब कभी नहीं मिटने वाली थी। हर कोई पलक के लिए अपने दिल की भावना व्यक्त कर रहा था। सभी के दिल में पलक के लिए बेशुमार प्यार उमड़ गया था। अभिमन्यु पलक के वॉइस रिकॉर्डर को देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, ये जिंदगी भी कितनी जालिम है, पता ही नहीं चलता कि हमारी कौन सी मुलाकात किसी से मिलने की आखिरी मुलाकात है। काश मैं आखिरी बार पलक से मिल पाता। जब बिंदु अभिमन्यु को पलक को इस तरह याद करते हुए देखती है तो उसे भी कायर की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि कायर भी उससे इतना ही प्यार करता था, हमेशा उससे मिलने के लिए तरसता था, पर वही कोई ना कोई बहाना देते हुए कायर को मिलने से मना कर दिया करती थी। पर अब वो अपनी सारी की हुई गलतियों पर पछता रही थी। बिंदु अपना दुख व्यक्त करते हुए कहती है, तुम तो किस्मत वाले हो अभिमन्यु, कि तुम्हें पता है कि पलक के साथ कैसे क्या हुआ। अभागी तो मैं हूँ, मुझे तो मेरे कायर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वो ऐसे लापता हुआ कि पूछो मत, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं। अभिमन्यु बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, कायर जिंदा है बिंदु। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है सबकी नजरें अभिमन्यु की तरफ चली जाती है। हर कोई हैरानी के साथ उसे देखने लग जाता है। बिंदु हकलाते हुए अभिमन्यु से कहती है, क्या कहा अभिमन्यु तुमने, मेरा कायर जिंदा। बिंदु की बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु, कायर जिंदा है। बिंदु हड़बड़ाहट के साथ कहती है, अगर मेरा कायर जिंदा है तो वो कहाँ पर है अभिमन्यु, तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए। अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, वो बिंदु मैंने कायर को अपने साथ लाने की कोशिश तो की थी, पर इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है। बिंदु तुरंत पूछ पड़ती है, पर क्या अभिमन्यु, तुम कुछ बताते क्यों नहीं, बताओ ना मेरा कायर कहाँ पर है, किस हाल में है, वो तुम्हें कहाँ पर मिला। अभिमन्यु बिंदु के सारे सवालों के जवाब देते हुए कहता है, बिंदु तुम्हें वो पहाड़ याद है जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया था। बिंदु कहती है, वही पहाड़ ना जो औषधियों से भरा हुआ था। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ बिंदु, मैं उसी औषधीय पहाड़ की बात कर रहा हूँ।
मैंने और डायना ने कालगढ़ ढूंढने के लिए उस पहाड़ की पूरी चढ़ाई चढ़ ली थी, और जब हम चढ़ाई उतरकर दूसरी तरफ नीचे पहुंचे तो वहां पर। इसी के साथ अभिमन्यु अतीत की यादों में चले जाता है, ठीक उस पल में जब वो डायना के साथ औषधीय पहाड़ी की चढ़ाई उतरकर लालखाल जंगल में पहुंच गया था। इस वक्त अभिमन्यु और डायना लालखाल जंगल में मौजूद थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि लालखाल जंगल पहुंचने के बाद भी उनके मन को तसल्ली नहीं मिली थी, क्योंकि जिस चीज की तलाश में वो निकले थे वो अभी तक उन्हें नहीं मिली थी। उनके चेहरे पर नजर आ रहा था तो सिर्फ डर, और वो डर था लालखाल जंगल का। रात के अंधेरे में लालखाल जंगल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। डायनो और अभिमन्यु ने वापस से अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसी वक्त जमीन से आसमान की तरफ एक तेज सीधी रोशनी जाती है, और आसमान में पहुंचते ही वो एक तेज धमाका करता है, और उस धमाके की गूंज के साथ ही वो रोशनी आसमान में फैलने लग जाती है। देखते ही देखते आसमान में एक सुनहरे रंग में चक्र घूमने लग जाता है। उस चक्र के अंदर ही ढेर सारे छोटे छोटे चक्र थे। रात के अंधेरे में आसमान में वो चक्र अलग ही अपनी तरफ उन दोनों को आकर्षित कर रहा था। कुछ देर तक वो दोनों उसी चक्र को लेकर बातें करते रहते हैं। उस सुनहरे चक्र को देखकर अभिमन्यु को अंदेशा हो जाता है कि इसका काले साई और कालगढ़ से जरूर कोई कनेक्शन है। अभिमन्यु उस चक्र को देखते हुए कहता है, हमें इस चक्र के पीछे जाना चाहिए डायना। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभी मुझे भी यही लगता है, चलो। इसी के साथ अभिमन्यु और डायना को सुनहरा चक्र जिस दिशा में दिखाई दे रहा था वो दोनों उस दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ घंटे बाद औषधीय पहाड़ी की चढ़ाई उतरने के कारण अभिमन्यु और डायना पहले से ही बहुत थके हुए थे, इसलिए वो दोनों ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो दोनों तो अपने कदम भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा पा रहे थे, पर जैसे तैसे करके वो आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके शरीर में जितना भी दम था वो पूरा दम लगाते हुए वो दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत थके होने के बावजूद वे दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे उन्होंने सोच कर रखा हो कि वो दोनों उस सुनहरे चक्र के पास पहुंचकर ही दम भरेंगे। उनके अंदर ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि आखिर उस सुनहरे चक्र के पास क्या होगा, क्यों वहां से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी। वो दोनों अपने कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी अभिमन्यु कुछ घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए था। डायना हैरानी के साथ पूछती है, क्या हुआ अभी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।